आपको बताते चले, नंदोर वन क्षेत्र अधिकारी सुनील शर्मा एवं थाना अध्यक्ष हरिंदर सिंह नेगी द्वारा अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग क्रय विक्रय प्रभावी रूप से समाप्त करने हेतु चौरगलिया बाजार में चेकिंग व छापेमारी की कार्यवाही की गई। वहीं क्षेत्र अधिकारी व थाना अध्यक्ष चौरगलिया द्वारा दुकानों, होटल, ठेलों तथा रेहड़ी वालों पर छापेमारी कर प्लास्टिक प्रतिबंध तथा जुर्माने की धनराशि के बारे में जानकारी दी। चौरगलिया बाजार में दो व्यक्तियों द्वारा प्लास्टिक पन्नियों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई है। साथ ही वन क्षेत्र अधिकारी तथा थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर आगे भी चेकिंग व छापेमारी कार्यवाही की जाएगी तथा पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही भी होगी। मैं वन क्षेत्र अधिकारी नंदौर आज पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से चौरगलिया बाजार में प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें दुकान दुकान जाके जागरूकता अभियान चलाया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल न किया जाए। किसी प्रकार की प्लास्टिक को ले जाना, एकत्र करना और भंडारण पूर्णतः प्रतिबंध है। इस संबंध में लोगों को जानकारी दी गई, साथ ही लोगों को हिदायत दी गई कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार की प्लास्टिक को न फेंकें। साथ ही यदि लोगों को बताया गया कि यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो एक अभियान चलाया गया है पूरे जनपद में, जिसमें कि जो है प्लास्टिक जो प्लास्टिक के जो वो हैं पदार्थ हैं उनको प्रयोग के लिए मनाही की गई है, एकल एक बार प्रयुक्त होने वाले प्रयोग प्लास्टिक का। तो इसी संबंध में आज दिनांक 31/7/2022 को नंदौर रेंज के रेंजर साहब जो हैं सुनील शर्मा जी, इनके साथ संयुक्त टीम बना करके एक चेकिंग अभियान चलाया गया। बाजार में समस्त दुकानों को जाकर चेक किया गया और दुकानदारों को हिदायत की गई कि कोई भी जो है प्लास्टिक एकल प्रयुक्त होने वाले पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। और साथ ही जो सब्जी वाले जो हैं जो प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल करते पाए गए तो उनके खिलाफ जो है 81 पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई। और सितारगंज रोड पर सभी वाहनों को, बड़े वाहनों को रोक करके चेक किया गया कि कोई यदि कोई व्यक्ति, उन्हें हिदायत की गई चालकों को कि कोई भी व्यक्ति जो प्लास्टिक पदार्थों का परिवहन नहीं करेगा।